गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला क्या, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा। अभी तक हमने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा, भाषा का ज्ञान हमारे अंदर जितना भी है, हमने पिछले क्लासों में जितना भी पढ़ा है उससे थोड़ा बढ़ के इस क्लास में मिलेगा आपको। तो भाषा क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। भाषा वह होती है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी हम बोलते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बात खुद समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हम जिस भाषा में भी बोलते हैं वो हमारी भाषा अपनी होती है। जैसे हम किसी से कुछ कह रहे हैं, वो हमारी एक प्रकार की भाषा है, मौखिक भाषा। हम जब कुछ लिख कर किसी को दे रहे हैं या किसी को कह रहे हैं, वो हमारी एक प्रकार की भाषा होती है, लिखित में। तो बच्चों, आज हम भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये भाषा क्या है। देखिए यहाँ लिखा है आपके बुक में, ऊपर देखिए लिखा है, आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। ये यहाँ लिखा है, मैडम ने बच्चों को बताया। मैडम क्या कर रही हैं? बता रही हैं, कह रही हैं। तो ये क्या है? मौखिक रूप से बता रही हैं, कह रही हैं, इसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत समझेंगे। यहाँ मैडम ने लिखा है, आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। तो क्या कर रही हैं मैडम? लिख के बता रही हैं बच्चों को, बोल के नहीं बता रही हैं। तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। हाँ, भाषा हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत वो आता है जिसे हम बोलकर या सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जिसे हम लिखकर दूसरों को बताते हैं। जैसे कोई भी बात हमें किसी को समझानी हो, बतानी हो, तो हम किस प्रकार कहते हैं? लिख के देते हैं, लिखित रूप में देते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है भाषा। देखिए पहला चैप्टर है भाषा, अब हम इसे पढ़ेंगे। पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर कुछ बता रही हैं। अभी हमने बताया कि अध्यापिका क्या कर रही हैं? बोलकर बच्चों को कुछ बता रही हैं। दूसरे चित्र में वही बात लिख कर बता रही हैं। इस तरह हमने देखा कि अपने विचारों और भावों को बताने के कई ढंग होते हैं, कई ढंग होते हैं ना। जैसे हम कुछ बात बोलकर कहते हैं, कुछ लिखकर कहते हैं। बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सुनकर और पढ़कर दूसरे के विचार समझते हैं। यह काम भाषा के माध्यम से होता है। बताया जा रहा है कि जो भी बात हम बोलते हैं या किसी को समझाते हैं वो क्या होती है? वो भाषा एक दूसरे के संपर्क में हम अपनी बात को बताते हैं, उनका बात समझते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब देखिए, भाषा कहते किसे हैं उसकी परिभाषा दिया है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए ये मौखिक भाषा है और ये लिखित भाषा है। इसमें मैडम बच्चों को बोल के बता रही हैं और इसमें मैडम बच्चों को लिख के बता रही हैं। तो ये हो गया मौखिक भाषा और ये हो गया लिखित भाषा। अब भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है, इसे परिवार से ही सीखते हैं। अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा है, इसे परिवार से ही सीखते हैं। अब पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा है अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा है। हम अपने मन के विचार को जब लिखकर प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो क्या होता है? वो लिखित भाषा होता है। ठीक है, ये हो गया मौखिक भाषा और ये हो गया लिखित भाषा। संसार में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। संसार में क्या होता है? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, अरब में अरबी, चीन में चीनी और रूस में
रूसी कह रहा है कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, एक दो भाषा नहीं है, अनेकों भाषाएं हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे अब देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, अरब में अरबी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है और रूस में रूसी। ठीक, भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। जो भाषा हम अपने माता पिता अथवा घर के सदस्यों से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा है। ठीक है, जो भाषा हम अपने माता पिता अथवा घर के सदस्यों से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा है। जैसे बहुत से घरों में ऐसी भी भाषा बोली जाती है जो सिर्फ घर के लोग ही आपस में बातचीत करते हैं, उसे हम अपनी मातृभाषा कह सकते हैं। फिर देखिए, भारत में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। भारत में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को कब राजभाषा का रूप दिया गया, मान्यता प्रदान हुआ? 14 सितंबर 1949 को। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं ना 14 सितंबर को, तो ये बता रहे हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। क्या होता है? भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। क्या तुम बता सकते हो कि वे कौन से देश हैं जहां हिंदी का प्रयोग किया जाता है? क्या तुम बता सकते हो कि वे कौन से देश हैं जहां हिंदी का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अब आ गया हमारा अगला टॉपिक कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग निश्चित चिन्ह किए गए रहते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिख सकते हैं, एक और एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, भाषा है और लिपि है, हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। ऐसे ही मराठी की क्या है? देवनागरी। तो लिपियाँ एक हैं और भाषाएँ अलग हो जाती हैं। जैसे देखिए, एक अब ये हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन, संस्कृत की है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की है गुरुमुखी, बांग्ला, जर्मन की है रोमन, फ्रेंच की है रोमन। अब देखिए, रोमन लिपि है जो, वो जर्मन में भी लिखा जा सकता है और फ्रेंच में भी लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिख सकते हैं और एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब हमारा टॉपिक यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ क्या हो गया? व्याकरण। अब हम व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे। इससे व्याकरण क्या है कि व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। अब क्या है व्याकरण, कहते किसे हैं? देखिए, व्याकरण वह होता है जिससे हम शुद्ध रूप से कोई भी चीज़, मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वो शुद्ध हम नहीं बोल पाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी पढ़ देंगे जब हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। आओ ब्रेल लिपि के विषय में जानें। अब देखिए, एक लिपि होती है क्या? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि वो होती है जो सिर्फ अंधे लोग, मतलब दृष्टिहीन लोग ही प्रयोग कर सकते हैं और दृष्टिहीन लोग ही उसे
प्रयोग में करते हैं। जैसे ब्रेल लिपि ऐसे लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते, मतलब जो लोग दृष्टिहीन होते हैं। इस विधि के प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ बिंदु होते हैं जो कागज पर उभरे होते हैं, उन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। जैसे अब वो जब कागज पे उभरे उभरे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेल लिपि में जब हम छुएंगे तो वो उभरा हुआ रहेगा, तो जो जिन लोगों के पास दृष्टि नहीं होती है वो लोग छू के पढ़ते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस के लुई ब्रेल क्या थे, वो भी क्या थे, वो भी दृष्टिहीन थे। लुई ब्रेल जन्म से ही दृष्टिहीन थे। देखिए यहाँ बताएं कि लुई ब्रेल जो है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का को वो लाए थे, वो क्या थे, वो खुद एक दृष्टिहीन थे। उन्होंने इस लिपि का आविष्कार 15 वर्ष की आयु में किया था। अब आप लोगों को बता दें कि जब कोई अगर पूछता है आपसे कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ये क्या थे, ये जन्म से ही दृष्टिहीन थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तो इन्होंने 15 वर्ष की आयु में क्या किया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन जो लोग अंधे हैं, जिन लोगों को दिखता नहीं है, वो लोग अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसमें जिस पेज पे उभरे उभरे चित्र होते थे, उभरे उभरे अक्षर होते थे, उन्हें वो पढ़ के और सही समझते थे, और उसके बाद उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। तो क्या इसके बारे में हम थोड़ा विधिवत जान लेंगे कि ब्रेल लिपि ऐसे लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते। इस विधि में प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ विशेष बिंदु होते हैं जो कागज़ पर उभरे होते हैं, उन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल जन्म से ही दृष्टिहीन थे। उन्होंने इस लिपि का आविष्कार 15 वर्ष की आयु में किया था। समझ में आया, लुई ब्रेल कौन थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और लुई ब्रेल जन्म से दृष्टिहीन थे। उन्होंने ही इस लिपि का आविष्कार किया। किस लिपि का, ब्रेल लिपि का। अब समझ में आया ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि वो है जो कागज़ पर उभरा होता था। क्या उभरा होता है, कुछ चिन्ह होते हैं जो कागज़ पे उभरे होते हैं, वो हमारे लिए चिन्ह है, लेकिन जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए वो अक्षर होता है, उसे वो उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। अब समझ में आया ब्रेल लिपि के बारे में। तो देखिए ये आपका ब्रेल लिपि है, ये भी हमने समझा दिया, चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ लिए। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, ये हैं लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये हैं ब्रेल लिपि पढ़ते लोग। देखिए कैसे अंधे लोग पढ़ते हैं, जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, देखिए उंगली से छू कर वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब उंगली से छू के पढ़ लेंगे तो यहाँ लिखने का भी वही सिस्टम होता है इन लोगों का, तो वो वैसे ही लिखते भी हैं। आप लोगों को समझ में आया ब्रेल लिपि के बारे में। देखिए उंगली से छूकर लिख पढ़ना और उसके बाद लिखना, ये क्या होता है, ये ब्रेल लिपि होता है, ठीक। अब इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। भाषा के बारे में हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं। जो हम अपनी बात को एक दूसरे के सामने बोलते हैं या अपने विचार को दूसरों के सामने रखते हैं और उनकी बात को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा क्या होती है, तो जो भाषा हम अपने माता पिता अथवा घर के सदस्यों में सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। फिर लिपि के बारे में हमने पढ़ा कि
क्या होता है कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, वो उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। फिर हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा कि व्याकरण हमें भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम शुद्ध रूप से न लिख पाएंगे, न बोल पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अभी ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे और वो जन्म से दृष्टिहीन थे। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अब ब्रेल लिपि होता क्या है, तो ब्रेल लिपि वह होता है जो कागज़ पर उभरा होता है, कुछ बिंदु होता है जो कागज़ पर उभरा होता है, जिसे उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। बच्चा मौखिक भाषा कहाँ सीखता है, परिवार में, विद्यालय में या बाजार में? तो पहला वाला ऑप्शन सही है, परिवार में। यहाँ सही का चिन्ह लगाइए। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी है, पंजाबी है या हिंदी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, रोमन, गुरुमुखी या देवनागरी? अभी हमने पढ़ा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। खाली स्थानों में ठीक शब्द चुनकर भरो। अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करना मौखिक या लिखित? कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। जो भाषा हम अपने माता पिता से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का ब्रेल लिपि बहुत उपयोगी है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में देखिए आप लोग, जो सही होगा उस पर हमने सही किया है, जो गलत है उस पर कुछ नहीं किया है, वही आप लोगों को इसमें भरना है। अगला एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस लगाइए। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सही है, तो हमने सही लगाया है। संसार में केवल अंग्रेजी बोली जाती है, गलत है, तो गलत हमने लगाया है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, सही है। ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं, ये भी सही है। ब्रेल लिपि देखकर पढ़ी जाती है, ये गलत है, तो हमने गलत किया। इन राज्यों की भाषाओं के नाम लिखो, राज्य है और भाषा है। असम, असमिया, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का राजस्थानी, तमिलनाडु का तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ये आप खुद से